आज हम बनाएंगे क्लस्टर। जो सेंटर में अपने चौरस स्टोन लेंगे, 10 mm का ले लिया, ठीक है। 10 mm का देख लेते हैं, यहाँ पर 10 mm का आ गया। ऑफसेट मारेंगे थिकनेस देने के लिए, उसको बेज बनाने के लिए 0.9 का मार दिया। फिर पेच मारेंगे, पेच मार के उसको सरफेस कर देंगे। फिर ट्रिम करना है सेंटर वाला, ऐसा पट्टी हो गया तो रिलेट मार दिया। इसका हाइट लेंगे 1.5 जितना, बाद में अगर कम पड़ता है तो फिर नीचे से बढ़ा लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे इसको चैम्पर मारेंगे, चैम्पर मार लेंगे 0.4 जितना, चैम्पर मार के देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। अगर कम लगता है तो वापस अंडो करके उसको ज़्यादा मार दो, 0.5 कर दो। अगर बराबर लगता है तो ओके, ठीक है। अभी अपने को छोटे क्वालिटी के फिल्टर बिठाने हैं, तो यहाँ पर तो मिड सेक्शन पकड़ लेंगे, क्वालिटी बनाएंगे 1.5 mm, यानी कि 1/50 का स्टोन ले लिया। तो नॉर्मल उसको हल्का बड़ा रखेंगे, 1/55 रखेंगे तो श्रिंकेज आएगा, तो उसकी 1/50 हो जाएगा। ऑफसेट मारेंगे 0.4, फिर कवर स्टूल करना हाइट देने के लिए। कवर स्टूल में 1 mm का हाइट देंगे उसको, ठीक है। उसको भी चैम्पर मारना है, पॉइंट इसको ज़्यादा मारना, 0.35 मारेंगे, 0.3 मार देते हैं, ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो हल्का से इसको रोटेट मार देना यहाँ से, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर लिखाना है, ठीक है। सेंटर वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर 1.65, अच्छा 1.65 का पॉइंट, 1.55 का था, 0.1 ही गैप, तो 1.65 हो गया डिस्टेंस। इसी तरह से उसको मिरर मार देने का। अभी इस एक निकाल दो, एरे मार दो 4 का, तो एंटर 4, ठीक है। इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटर में नहीं रखना है, ऐसा रखना पड़ेगा, तब जाकर सही होगा। सेंटर का स्टोन निकाल देंगे और उसको साइड में सर सेंटर में गैप करेंगे, अभी सही हो रहा है। इसको एरे मारेंगे 4 का, एरे आ गया। अभी इसको भी थोड़ा रोटेट करना, ठीक है, अच्छा सर, अच्छा ठीक कर देंगे, ज़्यादा क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अभी हम प्रॉन्ग डालेंगे, प्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। अब दो के बीच में सिंगल प्रॉन्ग आएगा छोटा, प्रॉन्ग तो ज्यादा आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही प्रॉन्ग है, कॉमन प्रॉन्ग है, तो इसके लिए तो उसको थोड़ा सा जाड़ा लेना पड़ेगा। पीछे भी आएगा एक बार, पीछे आप पतला सबसे थोड़ा प्रॉन्ग का हाइट दे देने का, बोथ साइड 1 mm, ठीक है। यहाँ से इसका जितना रोटेट किया था उतना ही रोटेट करना है उसको भी, प्रॉन्ग को भी जितना कॉलेट हो गया था। फिर अब हम
वापस से भाई 1.65, 1.65, 1.65, और इधर से एक सेंटर आ जाएगा। ठीक है, वापस इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ऐसा क्रॉस हो रहा है तो इसको। हमारे इसको ऐसे ठीक कर देंगे। ठीक कर दिया अभी, अरे 4 का। ठीक है, यहाँ पर प्रॉन्ग डालना पड़ा, जैसे पट्टी वाला प्रॉन्ग डालेंगे, क्योंकि इसमें सेटिंग होने में थोड़ा अच्छा इजी रहेगा। 0.6, ज्यादा लंबा लगता है तो फिर छोटा कर दो। ठीक दोबारा थोड़ा पतला करना है तो 0.55 कर दो, फिर इस पर से पट्टी वाला आए दे देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना है कि वॉलेट के अंदर आ रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे से अंदर दबा देंगे, ऊपर से तो बराबर है। नीचे से अंदर दबा के उसको हल्का सा रोटेट मार दो, बराबर। और यहाँ पर एक प्रॉन्ग ले लेने का, 1.65। ठीक है, बराबर 4 का है मान, ये तो हो गया है। इसमें अभी क्या करना है, मुझे थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सेंटर वाले पास से। इसमें इसमें बिठा देंगे वॉलेट सेंटर में, स्टोन, सॉरी स्टोन बिठाएंगे, वॉलेट तो हो गया है। स्टोन कॉपी करके लाएंगे, उसके हिसाब से उसकी प्रॉन्ग का जो हाइट रहेगा उतना रखने का अपने को, जो प्रिंसेस वाला स्टोन है इसको प्रिंसेस स्टोन बोलते हैं। बराबर प्रॉन्ग
चेक कर लेंगे इसका पता लेके कितना आता है। हो गया जो साइंस लिखा हुआ है तो इतना कट कर देते, इतना काफी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनाना है। कभी भी बनाना हो तो आप इस तरह से क्लस्टर बनाना हो तो बना सकते हैं, साइड में सॉन्ग लेना हो देख लो, पीछे से लेवल रहेगा यहाँ पर इस तरह से, और ये अपना हुआ रहेगा। ठीक है।